हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम रोज आपको लेकर आते हैं, उसका 15वां प्रैक्टिस सेट है। ईवीएस एक ऐसा पोर्शन है जो हर प्राइमरी टीचर के लिए आपके लिए मेन सब्जेक्ट के रूप में होता है, चाहे सीटेट हो, चाहे डीएसएसपी हो, चाहे केवीएस हो या एचटेट या फिर दूसरे सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स हो। इसमें हम आपके लिए 15वां टेस्ट लेकर आए हैं। कंटिन्यू आपके लिए सभी टेस्ट आएंगे, और इससे पहले जो 14 टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी टीचिंग एग्जाम में आपके ईवीएस का पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी ईवीएस का पोर्शन का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। क्वेश्चन नंबर एक देखिए। निम्नलिखित रोगों में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प आपको चुनना है। यानी एक तरफ जो डिजीज हैं वो दिखाई गई हैं, और दूसरी तरफ जो उन डिजीज से इफेक्टेड जो आपके शरीर के ऑर्गेन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो किस तरीके से आप सुमेलित करेंगे? रोगों में आपका पीलिया, रेबीज, एंड्स और फाइलेरिया है, और प्रभावित अंगों में लिम्फ ग्रंथि है, प्रतिरक्षी है, यकृत है और तंत्रिका तंत्र है। तो किस तरीके से आप इनको मैच करेंगे या किसके साथ कौन सा आपका मैच रहेगा? सबसे पहले पीलिया को पकड़ लीजिए। आप पीलिया से आपका यकृत यानी लीवर जो है वो खराब होता है, पहला तो आपका ये रहेगा। दूसरा अगर रेबीज की बात करेंगे तो फिर आपका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। एंड्स की बात अगर करेंगे तो एंड्स में जो आपका है वो आपको प्रतिरक्षी तंत्र होगा, और जो फाइलेरिया है उससे आपका लिम्फ ग्रंथि रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। किस चीज का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है, किसकी बात यहाँ हो रही है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का या भावनात्मक क्षेत्र आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपने देखना है राजस्थान, खादिन, बिहार, आहार, कर्नाटक, कांदी, तमिलनाडु, एरिस। कर्नाटक और कांदी ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। स्मोग यानी धुंध बनता है किससे? धुएं से और कोहरे से। आपका आंसर यहां सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ स्तंभ वन में जीव दिए गए हैं और स्तंभ टू में आपके संग्रहण दिए गए हैं। मछली, केचुआ, तितली, साग, हर्बेरियम, वाइवेरियम, एक्वेरियम या फिर टेरेरियम। अब देखिए एक एक चीज को, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो थोड़ा सा आइडिया आप जरूर ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ चीजें बड़ी फेमस होती हैं। जैसे मछली है, आमतौर पर किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, ऑफिस में आप देखते हैं बड़ा सारा एक शीशे का एक टब टाइप होता है जिसे आप लोग एक्वेरियम कहते हैं, और एक्वेरियम जो है एक्वेरियम के अंदर काफी सारी मछलियां होती हैं जल के अंदर। अब ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा। और इसका मतलब मछली जो है वो एक्वेरियम में होगी, ए मतलब है वो तीन के साथ है, और ए तीन के साथ एक में भी है और दो में भी है। तो यानी तीन और चार तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है, इनको आप सिरे से काट दीजिए, यहां तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मछली जो है वह एक्वेरियम में है, तो यहां पर एक में भी यही है और दो में भी यही है, और एक और दो ने तो बी को फोर से भी मैच किया है। यानी जो केंचुआ है वो टेरेरियम में होता है, ये भी दोनों ने कहा है। तो इसका मतलब अब जो फैसला होगा वो थर्ड पर आकर होगा, यानी सी के ऊपर आकर के आपका फैसला यहां पर फाइनल हो जाएगा। तो सी में आपको देखेंगे तितली का कॉम्बिनेशन जो है वो हर्बेरियम से होता है, और जो साक होता है वो वाइवेरियम से होता है। तो इस तरीके से जो आपका जो आंसर यहां बनेगा वो आंसर आपका बनेगा सेकंड वाला। तो ये मैं कोशिश चाहता हूं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझा दिया जाए, तब जाकर के आप इन क्वेश्चनों को सही से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किस चीज के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, लोहा और आयोडीन। आपका आंसर यहां आयोडीन होगा, क्योंकि आयोडीन नमक सागर के पानी से, नमकीन पानी से तैयार किया जाता है, उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और क्लोरीन को आप समझते ही हो, लोहा लोहा होता है, ब्रोमीन सबसे खतरनाक एक ऐसा लिक्विड धातु होती है, लिक्विड पदार्थ होता है एक प्रकार से, जिसमें लोहे से लेकर एल्यूमिनियम तक को पिघलाया जाता है, बहुत डेंजरस है, जिसके लेने के तक के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। मोनाल। क्वेश्चन नंबर सेवन।
मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किसका राज्य पक्षी है, यानी मोनाल जो है वो उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो है ही है, और किस राज्य का है? आपका आंसर हिमाचल प्रदेश रहेगा, पहाड़ी पक्षी है ये। क्वेश्चन नंबर आपका आठवां, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई बतानी है। ओजोन परत की मोटाई को आप लोग डॉब्सन इकाई के साथ मापते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां, सामाजिक वाणी का उद्देश्य आपको बताना है। सामाजिक वाणी का क्या उद्देश्य होता है? पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों को का प्रबंधन करना, उनको मैनेजमेंट करना। क्वेश्चन नंबर दसवां, चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? रैनी गांव में। याद रखना, हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा इन नामों को तो याद रख लेते हैं, लेकिन ये नाम भी बड़े फेमस हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि गोरा देवी का संबंध किस क्षेत्र से था या कौन से आंदोलन से था, आपका आंसर चिपको आंदोलन होगा, वो भी एक पर्यावरणविद रही है, रैनी गांव रहेगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। आप कोशिश किया करें, जब वीडियो को हम लाइव करेंगे तो आप लोगों ने कोशिश करना है कमेंट में आंसर देने की, और मैसेज के अंदर चैट में भी देखते हैं कितने बच्चे आंसर सीख दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर बढ़ती है रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? कौन सी कक्षा में दिया गया है? तीसरी से पांचवी, फर्स्ट और सेकंड में नहीं होता ईवीएस। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? कौन से क्षेत्र में? उत्तरी हिमालय पहाड़ या हिमालय? आपका आंसर हिमालय होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है या सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो सही है, फियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, कंटूर कृषि भूमि अपरदन ये ठीक नहीं है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, सजीवों में ऑक्सीसुवंशन की प्रक्रिया में खालिस्तान ऊर्जा उन्मुक्त होती है, कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा उन्मुक्त होती है? 673 किलो कैलोरी, सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, भूकंप की तरंगों को निरूपित कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है, किस प्रकार की संकल्पना है? धनात्मक संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों? इसकी वजह आपको बतानी है। वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? ये नॉर्मल क्वेश्चन आप हमेशा देखते हो, 71%। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ क्या होगा? क्या अर्थ होगा? शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, जिससे लोगों को नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, बाढ़ में समोद्भिद पौधे मर जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है? पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, ये एक वजह है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइए एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़े क्वेश्चन ठीक से दिखाए जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा जूम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या इनमें से सभी? तो आपका आंसर होगा अपघटक। क्वेश्चन नंबर 25, डीडीटी है, डीडीटी जो है वो किस चीज के लिए? खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक
या अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? कौन सा स्रोत होता है वो? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आपका आंसर सौर ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27वां नीचे दिया गया था, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत या पहली परत को हम लोग अक्षोभ मंडल कहते हैं, इंग्लिश में से आप लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 तथा NO2 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29वां, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है किस चीज सम्मिलित किया जाता है? आपत्तिग्रस्त जीवों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां, अत्यधिक चारण का परिणाम बताना है, अत्यधिक चारण का क्या परिणाम होता है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन आपका आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि जितने ज्यादा घास फूस कम होगा, पशुओं को ज्यादा घास खाने के लिए अनुमति दी जाएगी, यानी आमतौर पर मृदा अपरदन जो है उसी मिट्टी का होता है जिस मिट्टी में पेड़ पौधे घास फूस की मात्रा कम होती है, जैसे ही पानी का बहाव आता है वो अपने साथ बहा ले जाती है, लेकिन जितना ज्यादा घास फूस होगा, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, उतना ही मिट्टी का अपरदन या कटाव जो है, लैंडस्लाइड जो है वो कम होगा। तो दोस्तों ये आपका था EVS का टेस्ट नंबर 15, जिसको हम पूरा कर चुके हैं। कल वाली वीडियो में हम लोग 16वां देखेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे ये हमें कमेंट करें। धन्यवाद।